दो। अरे पुलिस स्टेशन जाके दे यार, तू मेरे पीछे क्यों जाए? सुन निहाल मेरी बात सुन, ये कमिश्नर इतना घटिया आदमी है, इतना गया गुजरा इंसान है, मैं बता नहीं सकता, कोई टिक नहीं सकता इस आदमी के साथ में। अरे यार अपनी बीवी के सामने भीगी बिल्ली की तरह बैठा रहता है, कुत्ते की तरह दूध मिलाता है और अपने सामने गुस्सा उतारता है, पूरा राशन पानी लेके हम पे चढ़ता है। कसम से बोलता हूँ भिड़ू, अगर मेरे बाप का ये बॉस होता ना तो मेरा बाप मेरे को कभी पुलिस में नहीं भर्ती कराता। ईमान से कह रहा हूँ यार, मैं इतना अच्छा कव्वाली गाता हूँ कसम खुदा की, ये जो अल्ताफ राजा जो फेमस है ना, उसकी जो कव्वाली है, आज उसकी जगह मैं होता कसम खुदा की। तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे? इंस्पेक्टर रहीम खान जी भाईजान। क्या हुआ? घर में मेरी बीवी मुझे डांटती है, मैं भीगी बिल्ली की तरह घर में बैठता हूँ, तुम सब पे राशन पानी लेकर चढ़ता हूँ, मुझे गाड़ी में आकर मिलना, करीब आओ। जी। ये मेरे घर की बातें तुमने और किस किस को बताई है? किसी को नहीं सर। किसी को नहीं? नहीं, ऐसे मुंह से निकल गया था सर, आप यकीन मानिए मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है सर। इज्जत है ना जी, उसे संभाल के रखना जी, और आइंदा ये बातें डिपार्टमेंट में और किसी से ना कहना। कभी नहीं सर, कभी नहीं, मैं कसम खाता हूँ। गेट लॉस्ट जी, चलो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं यार, कमिश्नर साहब की बीवी है ना, उनके जो लफड़े, इधर तेरे को बताता हूँ, इधर इधर वो। I'll get it. कमिश्नर साहब, wait. 9 रुपए वाला नहीं, don't read it. Give it to me, please. मुझे दो। Thank you sir. अपूर्वा चौधरी, I'm warning you, don't misuse this. You, I'm warning you, you'll have to face the consequences. तुम क्या ड्यूटी कर रहे हो इधर? ये लोग अंदर आए कैसे? Nonsense. कायदा सुव्यवस्था धो क्या, पुलिस कमिश्नर हेल्पलेस, कमिश्नर के घर में घुसकर टोपी चुराई, ये सब उस अपूर्वा चौधरी की खुराफात है। उसने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सारे डिपार्टमेंट का मजाक उड़ाया है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी खबर अखबार के पहले पन्ने पर इससे भी बड़े टाइप में छपे और लोग इसे भूल जाएं। इज दैट क्लियर सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इसका जवाब देना चाहिए और इसका जवाब मेरे पास है। क्या? इस्तीफा। इस्तीफा? हाँ, हमारे इस्तीफे से पुलिस डिपार्टमेंट पर और उनकी ईमानदारी पर लोगों को यकीन आएगा सर। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, रेजिग्नेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, और वो भी अभी इसी वक्त। पेपर दीजिए सर, पेपर, पेन। सर लिखिए, मैं पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई अभी इसी वक्त इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा मेरा? व्हाट डू यू मीन सर? हमारे इस्तीफे की खबर तो पेपर के 8वें 9वें पन्ने पर छपेगी, आपके इस्तीफे की खबर पेपर के पहले पन्ने पर छपेगी, वो भी फोटो के साथ। शट अप, शट अप एंड गेट आउट, गेट आउट, आउट। इंस्पेक्टर निहाल, आई एम वार्निंग यू, अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुमने इस मुजरिम के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए और अपूर्वा चौधरी को ऐसी उल्टी सीधी खबरें छापने से नहीं रोका, तो मैं तुम्हें सिर्फ इस केस से ही नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट से हटा दूंगा। इज दैट क्लियर? ओके सर। नमस्कार, कौन बनेगा करोड़पति, करोड़पति में आपका स्वागत है। आप और हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। पहला सवाल, राम कहां बसे थे? ए अमेरिका, बी जापान, सी भारत और डी रोम। जवाब गलत है, राम रोम में बसे थे। आप लोगों ने गाना नहीं सुना, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। नहीं बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही थे, राम भारत में बसे थे और हर बच्चे के मन में बसे हैं, इसलिए आप लोगों को एक एक पेप्सी दिया जा रहा है। अगला सवाल, गाड़ी का एक टायर पंचर होने के बावजूद भी दिल्ली से आगरा तक नॉन स्टॉप गाड़ी पहुंची, आपको ये बताना है कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर था? ए आगे का लेफ्ट टायर, बी आगे का राइट टायर, सी पीछे का टायर, या फिर डी डिक्की में का टायर। डिक्की में का टायर।
अभी भी आपके पास 3 लाइफ लाइने हैं, आप यूज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, टी टिक्की में का टायर लॉक कर दिया जाए। आप 80,000 जीत रहे थे, अब आप 1,60,000 रुपए जीत गए हैं। बिल्कुल सही जवाब, टिक्की में का टायर। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। अगला सवाल, एक शिकारी ने एक शेर का एक गोली से पंजा और सर घायल कर दिया। आपको बताना होगा, ए क्या शेर भाग रहा था, बी शेर सो रहा था, सी शेर नाच रहा था, या डी शेर खुजा रहा था। कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए, शेर भाग रहा था। यस, ये गलत जवाब है, शेर खुजा रहा था। उसका गोली लगी पंजे पे और सर पे। बैड लक। सुनियो, क्या है कि मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो मरीज खुद बताता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, मेरे मुंह में दर्द है, मुझे उल्टियां हो रही है, मुझे जुलाब हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ इसे क्या हो गया है, क्या हो गया है? ओ यार, ये चटके दे दे के बंद पड़ गई है यार। बंद पड़ गई, मिर्गी मिर्गी खोलो खोलो, बोनट खोलो, जल्दी खोलो बोनट, खोलो फौरन, खोलो जल्दी खोलो। मुर्गी इंजन का है, तो मुर्गी इंजन किधर है? मैं भी हैरान हूँ, इंजन किधर है? अरे मैं तो परेशान हूँ कि गाड़ी यहाँ तक आई कैसे। मैं खुद चला के लेके आया इसे यार। आप खुद चला के लाए? हाँ जी। जरा याद कीजिए, रास्ते में कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं गए आप? ओ नहीं यार, सवाल ही नहीं पैदा होता यार। अरे भाई ये बम्बई है, नजर जरा फिरी तुम इंजन गुल। अच्छा हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसा होता ही है। ये गाड़ी किससे ली आपने? ये परसों ली है, विदेशी गाड़ी है, अंग्रेज से ली है। इम्पोर्टेड है? परसों ली है, अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है, विदेशी है। शर्मानी चाहिए हम लोगों को, विदेशी गाड़ियां खरीदते हैं, हमारे यहाँ गाड़ियां नहीं बनती है। देश दिन ब दिन तरक्की किया जा रहा है और हम लोग पीछे पीछे, इम्पोर्टेड गाड़ियां। शर्मानी चाहिए आपको, अंग्रेज से ली है। अरे भगत सिंह जी अंग्रेजों को भगाते भगाते फांसी पे चढ़ गए। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा यही कहते आए हैं, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश ही सब कुछ है, देश के रहो, देश की खरीदो। मगर हम अंग्रेज अंग्रेज पीछे रह गए हम लोग। जिसमें इंजन नहीं है वो इम्पोर्टेड गाड़ी है। अरे ये गाड़ी मेरी होती तो खंडेला घाट पे ले जाता, ढकेल देता। तू ऐसी गाड़ी पर, अंग्रेज बने हुए हैं, इम्पोर्टेड गाड़ी, हट। ये मैं की कर बैठा, शर्म आनी चाहिए मैंने। तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं पूरी गाड़ी खोल जाऊंगा, गाड़ी खोल दूंगा। हैंडल लिया, इम्पोर्टेड बोले हैंडल लिया। गाड़ियों का काम मुझे नहीं मालूम है, विदेशी गाड़ी लेके आए। बोले मालूम है कहाँ इंजन, और छोड़ दे बगैर इंजन की गाड़ी, छोड़ दे। घंटा गया गैरेज से इन गाड़ियों से पाना वाना, छोड़ दे, ये पूरा गैरेज तोड़ दे, तोड़ पानी इंजन दे दे, तोड़ दे तोड़ दे। ओए हाँ, ये रहा इंजन। इंजन इंजन कहाँ से आया भाई? पापा जी एक मिनट देखो, इस गाड़ी का यहाँ है इंजन। बापरे भर गए पापा जी, जब पता ना हो कि कहाँ है इंजन, न खरीदो ऐसी गाड़ी प्यारे इंडियन। इसीलिए कहता हूँ बी इंडियन बाय इंडियन। बंगला चांद का बंगला, क्या करो, कैसा लगा अपने हवा महल? ये कोई रहने की जगह है? यहाँ तो कबूतर का भी दम घुट जाए, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। अरे ये बम्बई है गुरु, बम्बई। यहाँ के लोगों को कबूतर के घोंसले जितनी खोलियों में रहने की आदत पड़ गई है, क्योंकि मालूम है क्या, क्योंकि उनको मालूम है, ए भाई उनको मालूम है कि पैर फैला के अगर सो सकते तो सिर्फ कब्र में, और ये कब्र इतना गया गुजरा भी नहीं भाई साहब, 4-5 मुर्दे आराम से पैर फैला। क्या बोला मैं? हमारा घर तुमको ग्रेवयार्ड लगता है? चलो उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, हमको ऐसा पेइंग गेस्ट नहीं मांगता जो हमारा घर को कब्र बोलेगा। हमारा घर कब्र है क्या? सिस्टर, सिस्टर आप तो
अगर ब्रेक के गाड़ी का माफिक शुरू हो गया है, आप सुनो तो मेरी बात। मैं क्या बोल रहा था, क्या? मैं इसको समझा रहा था, ऐसा शानदार घर अक्का बॉम्बे में तेरे को नहीं मिलेगा। राइट। हाँ, ऊपर से अपनी ये ग्रेट सिस्टर ऐसा ख्याल रखेगा जैसे शेर भी अपने बच्चे का। बस अभी जास्ती मस्का लगाने का कोई जरूरत नहीं, हम किसी का ख्याल बैल नहीं रखता, उल्टा उसको हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन? यस, तुमको यूज करने का वास्ते बस यही शुरू मिलेगा। लाइट बिल आधा आधा, टेलीफोन करते ही 2 रुपया वो टेलीफोन का डिब्बा में डाल देने का, नो चीटिंग। सुबह हम बैठती रहेगा, उसके बाद तुमको खाना पीना भाग करने का, हमारा किचन में खाना बनाना नॉट अलाउड। रात का 10 बजे का बाद में घर में नो एंट्री, लड़की सिगरेट दारू स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। और अगर ऊंचा आवाज में बात करेगा ना तो उससे हमारा दिमाग बहुत गर्म होता है, समझ गया ना?